फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दाट्स बैकवेंचर्स अकेडमी आज का जो हमारा लेक्चर है दैट्स लेक्चर नंबर सेवेंटीन आज हम हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे लेक्चर कंप्लीट किया आज हम उस पर एम करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए और आप ट्राई भी कर लो कि आपको कितने एम आ रहे हैं तो चलिए स्टार्ट हो जाइए आपका पहला क्वेश्चन है वो कौन सा डिवाइस है जो इमेज को कन्वर्ट करता है पेपर पे इंटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और स्टोर करता है कंप्यूटर में तो गैस दैट इज द प्लॉटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज एन आउटपुट डिवाइस अगला क्वेश्चन है हाई क्वालिटी ग्राफिक्स या हार्ड कॉपी कलर में प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सी चीज़ का यूज करते हैं दैट अगेन द राइट आंसर विल बी द प्लॉटर प्लॉटर ही एक ऐसा डिवाइस है जो ग्राफिक्स को हाई क्वालिटी में प्रोड्यूस करता है बार कोड की जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर करते हैं पंच होल में मैग्नेटाइज स्ट्रिप में बिट्स में थिक थिन लाइंस में तो राइट आंसर विल बी थिक एंड थिन लाइंस क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट थिक थिन लाइंस होती हैं जेब्रा लाइक लाइंस तो अगला क्वेश्चन फाइंड द इनवैलिड कॉम्बिनेशन आप देखिए इनमें से कौन सा इनवैलिड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है यस करेक्ट लेजी प्रिंटर सॉरी लेजर प्रिंटर नॉन इंपैक्ट करेक्ट थर्ड डिसनी व्हील प्रिंटर नॉन इंपैक्ट तो ये इनवैलिड कॉम्बिनेशन है अनदर क्वेश्चन इज़ कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है जिससे टेक्स्ट बुक्स को हम डायरेक्टली कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं तो ये भी आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ कौन सी डिवाइस से ओ सी आर ये डायरेक्टली रीड करता है टेक्स्ट को अनदर क्वेश्चन आपका जो है इनमें से कौन सा डिवाइस यूज होता है डेटा एंट्री और स्टोरेज के लिए लेकिन प्रोसेस कभी नहीं कर सकता डम टर्मिनल कर सकता है प्रोसेसिंग माइक्रो कंप्यूटर कर सकता है माउस इज द करेक्ट आंसर अब आप स्टोरेज के लिए कैसे कुछ माउस स्टोरेज के लिए भी यूज होते हैं वो तो कंफिगर करना पड़ता है मॉडर्न कौन सा डिवाइस है इनपुट आउटपुट स्टोरेज बोथ ए एंड बी तो मॉडर्न जो है वो बोथ ए एंड बी दैट इज इनपुट भी है और आउटपुट भी है जैसे मोनिटर बोथ एक्ट करता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा डिवाइस है जो हमारी आवाज़ को चेंज करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ये भी हम पढ़ चुके हैं दैट इज द माइक्रोफोन यही हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में चेंज करता है राइट आंसर इज सी ऑप्शन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा एसेंशियल पेरिफेरल है ठीक है तो सबसे एसेंशियल है कीबोर्ड दैट मीन्स द राइट आंसर विल बी द कीबोर्ड तो आपका अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट एन कंप्यूटर पैरेफेरल इनमें से कंप्यूटर पैरेफेरल कौन सा नहीं है क्या स्कैनर कंप्यूटर पैरेफेरल है येस yes, है स्पीकर है येस yes, है प्रिंटर है सीपी यू ये एक कंप्यूटर पैरेफेरल नहीं है ये सीपी यू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट राइट आंसर विल बी दी यू तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दैट इज डैश इज एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर प्लेइंग आउट कंप्यूटर गेम्स इनमें से कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर गेम खेलते हैं पहला ऑप्शन स्कैनर नहीं इसे हम गेम नहीं खेलते लाइट पेन से गेम नहीं खेलते माइक्रोफोन से नहीं तो जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं तो करेक्ट आंसर विल बी द बी इस ऑब्जेक्टिव को आप ट्राई कीजिएगा इससे आपको लगेगा कि आपको कितना समझ आया है लेक्चर आप कितना परसेंट कर पा रहे हो आपका अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा स्मॉल पेन लाइक डिवाइस है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी है जो स्टोर करता है लाइट पेन ये तो स्टोर बिल्कुल नहीं करेगा जो जो स्टेक नहीं गेमिंग के लिए यूज होता है स्टोर कुछ नहीं करता पेन ड्राइव ये तो सब जानते हैं कि पेन ड्राइव स्टोरेज पर्पज के लिए यूज होता है राइट आंसर विल बी द पेन ड्राइव आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आउटपुट जो प्रिंट किया जाता है पेपर पे उसको क्या बोलते हैं ये भी आपको लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी तो जो आउटपुट होता है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं राइट आंसर विल बी द हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी वो होती है जो सिर्फ कंप्यूटर पे ही होती है ठीक है जैसे पीडीएफ वगैरह तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किस तरह की प्रिंटर प्रिंट करने के लिए डॉट मैट्रिक्स में लाइट बीम नहीं यूज करते लाइन प्रिंटर में भी नहीं इंकजेट में भी नहीं लेजर प्रिंटर printer जो प्रिंटर्स हैं इनमें हम लाइट बीम का यूज करते हैं ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं तो राइट आंसर विल बी हियर लेजर प्रिंटर तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दैट इज कौन से प्रिंटर यूज़ होते हैं बहुत गुड क्वालिटी आउटपुट देने के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इनका आउटपुट अच्छा नहीं होता है पढ़ चुके हैं स्लो होता है नॉइजी इंकजेट का भी उतना अच्छा नहीं होता लाइन का भी नहीं होता लेकिन लेजर इसमें हम लाइट बीम यूज करते हैं तो इसका आउटपुट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है राइट आंसर विल बी द लेजर प्रिंटर तब का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दैट इज माउस की बोर्ड मोनीटर एंड प्रिंटर ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं पहला सॉफ्टवेयर नहीं सॉफ्टवेयर ये नहीं है मेमोरी नहीं ये मेमोरी तो बिल्कुल नहीं हो सकती पैरिफ़ेरल, येस yes. ये क्या है पैरिफ़ेरल। राइट आंसर विल बी द पैरिफ़ेरल। फोर्थ ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा राइट आंसर थर्ड आ रहा है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है डैट इज विच काइंड ऑफ हार्डवेयर इज यूज द मोस्ट इन द इनपुट फेज ऑफ द कंप्यूटर इनपुट करने के लिए हम कौन सा हार्डवेयर यूज करते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं की बोर्ड येस की बोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस इसमें कीज होते हैं डिफरेंट टाइप की कीज जो पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको लेक्चर्स में यही यूज होता है इनपुट के लिए तो राइट आंसर विल बी द की बोर्ड अगला क्वेश्चन हमारा है विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है सी आर टी ट्यूब येस ये इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल स्कैनर येस ये भी एक इनपुट डिवाइस है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये भी इनपुट है यहाँ से हम इनपुट देते हैं आवाज़ सी ओ एम कंप्यूटर माइक्रोफिल्म ये एक आउटपुट डिवाइस है तो आपका अगला क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस इसमें से हम डायरेक्ट एंट्री किससे कर सकते हैं ऑप्टिकल डायरेक्ट जाता है कंप्यूटर में भी एंट्री कर सकते हैं लाइट पेन, ये भी हमें एंट्री के लिए ज़रूरत होता है। तो all of the above, तो तीनों। राइट आंसर ऑल ऑफ क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू एम मोनीटर मोनिटर के साथ कौन सी टर्म रिलेट है स्क्रीन मोनोक्रोमोनीटर आर जी बी मोनीटर वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन मोनोक्रोमेटिक मोनिटर जो है ये तो अलग टाइप का मोनीटर है आर बी जी भी अलग है स्क्रीन स्क्रीन तो हर एक को होती है टी वी वगैरह को भी वीडियो डिस्प्ले तो इसका करेक्ट और परफेक्ट आंसर होगा दैट इज द वीडियो डिस्प्ले तो आपका अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर डिवाइस प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी इनमें से कौन सा हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है क्या सीआरटी करता है नहीं लाइन प्रिंटर करता है यस yes, प्रिंटर करता है कॉर्ड रीडर नहीं करता कंप्यूटर कंसोल नहीं तो आउटपुट सिर्फ प्रिंटर करता है तो यह लाइन प्रिंटर है तो करेक्ट आंसर विल बी द लाइन प्रिंटर आपका अगला क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से हमें बताना है कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है डिसनी व्हील प्रिंटर नहीं इम्पैक्ट है ड्रम प्रिंटर भी इम्पैक्ट है तो लेजर प्रिंटर इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो राइट आंसर विल बी द लेजर प्रिंटर आपका इसमें करेक्ट आंसर चला जाएगा अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आप आपको काफी आइडिया हो गया होगा हमारे किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं द इनपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर का जो इनपुट यूनिट है वो क्या करता है नंबर फर्स्ट फीड्स डेटा तो द सीपीयू और मेमोरी डेटा सीपीयू और मेमोरी को फीड करता है तो इसका पहला आंसर ही करेक्ट है फिर भी हम देखते हैं अनदर रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम सीपीयू नहीं रिट्रीव डायरेक्ट ऑल अदर यूनिट्स नहीं अदर यूनिट्स को भी इनपुट डिवाइस कोई डायरेक्ट नहीं करता अलग है वो भी नहीं तो ये सिर्फ डेटा को फीड करता है कंप्यूटर में तो करेक्ट आंसर विल बी पार्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट एंट्री डेटा डिवाइसेस इंक्लूड जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो उसके लिए कौन से डिवाइसेस जरूरत पड़ते हैं पहला डिवाइस हम देखते हैं टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड बार कोड्स नहीं हमें टेलीफोन कम्युनिकेशन की कोई जरूरत नहीं डेटा एंट्री में सेकंड कीबोर्ड यस इंपॉर्टेंट कार्टरेट येस जरूरी है प्रिंट आउट्स के लिए बार कोड रीडर यस yes, मशीन भी जरूरी है तो आई थिंक बी विल बी द करेक्ट आंसर थर्ड देखते हैं मशीन कम्युनिकेशन की डेटा कलेक्शन डिवाइस नो एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल एंड टाइम क्लॉक नहीं तो परफेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट अब आपका अगला क्वेश्चन चेक करते हैं दैट इज लेज़र प्रिंटर लेजर प्रिंटर की क्या डिसएडवांटेज है इट इज क्विकर देन एन इंपैक्ट प्रिंटर नो इट इज स्लो नहीं ये स्लो नहीं है द आउटपुट इज लो क्वालिटी नहीं इसकी क्वालिटी आउटपुट भी काफ़ी होती है तो नन ऑफ दीज इनमें से कुछ भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है तो अगला क्वेश्चन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दैट फॉर्म्स करेक्टेड विद मैगनेटिकली चार्ज स्प्रेड डॉट इज अब इनमें से कौन सा डॉट मैट्रिक्स की तरह है लेकिन वो मैग्नेटिकली चार्ज इंक यूज करता है तो ये भी हम पढ़ चुके हैं दैट इज इंक जेट प्रिंटर जो कि चार्ज इंक यूज करता है इन ऑफ एंड पेन राइट आंसर विल बी द बी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द नेम ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बाउंड्री दैट परमिट्स कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल एंड कंप्यूटर पीपल और कम्युनिकेशन कंप्यूटर के बिटवीन कौन हमें एक ऐसा इंटरफेस है जो कम्युनिकेशन को एलो करता है इंटरफेस नो वी डी नो मोनीटर नहीं कीबोर्ड, यस तो राइट आंसर विल बी द कीबोर्ड इसी से हम इनपुट कंप्यूटर को दे सकते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है ना कंप्यूटर सिस्टम विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट ऑफ कीबोर्ड कीबोर्ड का अपोजिट कौन है पहले हम देखेंगे की बोर्ड है क्या बिजाती खुद क्या है वो एक इनपुट डिवाइस तो इसका अपोजिट क्या होगा आउटपुट डिवाइस तो देखते हैं ऑप्शन में आउटपुट क्या है आउटपुट है प्रिंटर तो करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर क्योंकि हमें कीबोर्ड का अपोजिट ढूंढना था कीबोर्ड इनपुट है तो प्रिंटर इसका अपोजिट हो गया आउटपुट तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है वट इज द नेम ऑफ सिम्बल करते हैं कुछ भी अपने कंप्यूटर पे करो की बोर्ड पे अपने फोन में जब हम एक चीज टाइप करते हैं उस पॉइंट को बोलते है हम कर्सर जो हम पढ़ चुके हैं देखिए आप ये देखिए यहाँ पे एक फिगर ये जो ब्लिंक हो रहा है एक लाइन दैट इज कॉल्ड तो राइट आंसर विल बी द तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बार कोड विच इज

किसको पेज प्रिंटर बोलते हैं तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेजर प्रिंटर का दूसरा नाम है पेज प्रिंटर तो राइट आंसर विल बी द लेज़र प्रिंटर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दैट इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट चेंज डेटा फ्रॉम कोडेड फॉर्म टू क्लियर फॉर्म कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डेटा को जो कोड किया गया होता है डेटा ताकि अटैक ना हो जाए उसको वापस से उस फॉर्म में ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए तो वो होता है डिकोडर ये मैं एक लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ क्रिप्टोग्राफी के लेक्चर में आप वहां से डिटेल देख सकते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन इज एन इनपुट डिवाइस दैट रीड्स द प्रिंटेड टेक्स्ट एम्प्लॉइंग ऑप्टिकल करेक्टर पैटर्न मैचिंग इज नोन एज इसको क्या बोलते हैं ओके okay? वो इनपुट डिवाइस जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करेगा और एज एन ऑप्टिकल करेक्टर पैटर्न मैचिंग तो उसको हम बोलते हैं स्कैनर क्योंकि यही रीड करता है करेक्टर्स को आपका अगला क्वेश्चन है आह, आह, हैंड हेल्प which reads मार्क्स or ऑन पेपर paper डिटेक्टिंग detecting photosensitivity इज कॉल्ड एज ऐसा कौन सा डिवाइस है जो पेपर वगैरह पर, पर कोई भी मार्क होता है जो उसको डिटेक्ट करता है तो उसको हम ऑप्टिकल wand बोलते हैं तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक टाइम पे एक पूरा पेज प्रिंट करता है तो वो प्रिंटर हमारा है पेज प्रिंटर क्योंकि लाइन प्रिंटर तो लाइन प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स डॉट्स और लेजर तो बीम प्रोड्यूस करता है बट पेज प्रिंटर नेक्स्ट इज कौन सा डिवाइस ऐसा है जो हम हमें एक ऐसा प्रोडक्ट uh, देता है फाइनल प्रोडक्ट जो ह्यूमन बीइंग्स यूज कर सकते हैं मतलब फाइनल प्रोडक्ट हमारा होता क्या है दैट इज आउटपुट तो आउटपुट हमें कौन सा डिवाइस देता है आउटपुट डिवाइस तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा आउटपुट डिवाइस दैट मीन सी विल भी द करेक्ट आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरिफेरल डिवाइस जिसमें स्टोरेज मीडियम मैग्नेटिक टेप है वो पैरिफेरल डिवाइस जहाँ पे हम स्टोरेज मीडियम के लिए अपना मैग्नेटिक टेप यूज करते हैं वो कौन है कीबोर्ड पे तो नहीं करते पंच कार्ड्स में भी नहीं वीडियो में भी नहीं दैट इज द टेप डिस्क टेप डेक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर पे हम अटैच करते हैं और फिर उसको कंप्यूटर कंट्रोल करता है कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं तो इन डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं जैसे कीबोर्ड माउस मॉनिटर जो हम अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ और फिर इसको कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है उन डिवाइसेज को पेरिफेरल डिवाइसेज बोलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पेरिफेरल डिवाइस क्या है ऐसे कम्पोनेट्स का जो हम एडिशनली कंप्यूटर पे एड करते हैं तो राइट आंसर विल बी आवर बी पार्ट थर्ड है साइड लाइन एंड नेवर गेट इन्वॉल्व अलग से बैठता है और कभी इन्वॉल्व नहीं होता कंप्यूटर एक्टिविटीज में दैट इज रॉन्ग तो करेक्ट आंसर आएगा बी पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डॉट मैट्रिक्स जो है वो क्या है क्या टेप है डिस्क है बस है प्रिंटर है तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एक टाइप है तो करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं माउस इज द काइंड ऑफ डिवाइस माउस कौन से टाइप क्या डिवाइस है आउटपुट इनपुट नेटवर्क स्टोरेज तो माउस हमारा इनपुट डिवाइस है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए पार्ट दैट इज द इनपुट तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिवाइस इज यूज एज अ स्टंडार्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट स्टैंडार्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में कौन सा डिवाइस है की बोर्ड जो एस टेक माउस ट्रैक बॉल तो माउस है हमारा दैट इज़ द करेक्ट आंसर का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है हमारा जो स्पीड ऑफ प्रिंटर है वो किससे हम डिफाइन करते हैं तो करेक्ट आंसर इज पी पी एम दैट इज़ द पेज पर मिनट तो हमारा रहेगा सी पार्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल अगर चैनल पर नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर एंड कमेंट